हमारा इनके साथ और कोई मुताबा नहीं, सिर्फ एक हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे चाहिए जो कि वहां पे जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो बच्चे हैं, वो अभी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप सिर्फ गूगल करके देखें फ्लाइट शेड्यूल के फैम में पाकिस्तान में कितने लोगों ने ट्रैवल किया है चाइना से, तो आपको कैसे गारंटी है कि उनमें वायरस नहीं है, या आपको क्यों कैसे लगता है कि उनमें वायरस नहीं है? क्योंकि वायरस तो यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट सारे तमाम प्रोविंसेस में है वुहान के, तो उनके लिए आपने कोई SOPs रखे होंगे, कोई आपके पास टेस्ट होंगे जो करने के बाद आप उनको क्लियर करते होंगे तो ट्रैवल की इजाजत देते होंगे, वही सेम SOPs हम पे क्यों अप्लाई नहीं हो सकते? बिल्कुल, अगर बाकी तमाम मुल्क एवैक्यूएशन कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स की वीडियोस देखते हैं, उनको तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने डिनर कराया है, उनकी वैक्यूएशन कंप्लीट, क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट हुआ है, वो अपने मुल्क के लिए खतरा साबित नहीं हुए, फिर हमारे मुल्क को सिर्फ हमसे ही क्यों डर है? अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है तो वो हमें किसी और कंट्री में क्वारंटीन के लिए भेज सकती है और हमारा क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद हमें पाकिस्तान भेजा जा सकता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको ये सिर्फ फ्री आने के चक्कर में, फ्री फ्लाइट के चक्कर में ये सारा शोर कर रहे हैं। भाई हम फ्री नहीं कुछ लेना चाहते, हम अपनी फ्लाइट्स के पैसे भरने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान में डबल डबल टैक्स देते हैं, वैसे पाकिस्तान में भी और यहाँ भी हमारे टैक्स चल रहा है, लेकिन फिर भी हम फ्लाइट्स के पैसे देने के लिए तैयार हैं। वहां जाके जो हमें आइसोलेशन में रखेंगे हम उसके पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो इतने कंट्रीज इनके फ्रेंड्स हैं, तमाम तमाम मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती के इतने दावे करते हैं, कुछ कंट्री